गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे शाइनिंग मून। इससे पहले हम हमारे यूनिवर्स के बारे में जान चुके हैं, जिसमें हमने मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में जाना, द एट प्लैनेट्स जो हैं इनके बारे में जाना, इनके अलावा जो लेयर्स ऑफ द अर्थ है, ओके, डिफरेंट लेयर्स से क्रस्ट मेंटल को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इनके अलावा और अदर हेवनली बॉडीज लाइक सन, मेटेराइड्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, इनके बारे में जाना। आज हम एक और हेवनली बॉडी के बारे में जानेंगे जो कि है मून। ओके, हर एक जो जितने प्लैनेट हैं, कोई ऐसे प्लैनेट है जिनके पास अपना खुद का मून नहीं है और कुछ ऐसे प्लैनेट है जिनके पास मून है। लाइक हमारे अर्थ है, उसके पास भी एक मून है। इसके अलावा मर्कुरी और वेनस ऐसे प्लैनेट है जिनके पास कोई भी मून नहीं है। अब मार्स जो है, मंगल जो ग्रह है, उसमें के उसके उनके पास दो मून है। उसके अलावा जुपिटर के पास 67 मून्स है, सैटर्न के पास 62, यूरेनस के पास 27 और नेपच्यून के पास 14 मून्स है। ओके, इसका मतलब यह है कि जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून है। मून जो होते हैं ये अपने प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। ओके, जैसे लाइक हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था कि वो जो सन के आसपास चक्कर लगातार रिवॉल्व करता है, ठीक वैसे ही मून वो ऐसी सेलेशियल बॉडी है जो कि किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व हो। ओके, जैसे हमारा जो मून है वो हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है जैसे कि अर्थ करता है। हमने रोटेशन एज वेल एज रिवॉल्यूशन इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझ लिया था। ओके, जिन्होंने भी वाला लेक्चर नहीं देखा वो देख लें, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा व्हाट इज रोटेशन एंड व्हाट इज रिवॉल्यूशन। ओके, नाउ मून भी जैसे लाइक प्लान अपने हमारे जो अर्थ है उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, ठीक वैसे ही मून के पास भी अपनी खुद की लाइट नहीं है। उस सन की जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उससे हमें वो विजिबल होता है नाइट स्काई में। ओके, दिन के दौरान सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा होती है तो कभी कभी हमें विजिबल नहीं होता है, बट लेकिन शाम तक हमें या सुबह मॉर्निंग जल्दी आवर्स अगर आप देखते हो तो उस समय सुबह सुबह भी हमें मून विजिबल हो जाता है स्काई में, अगर स्काई साफ, मतलब क्लाउड्स ज्यादा ना हो, अगर आकाश साफ हो तो हमें दिख जाता है। ओके ओके, देर आर वेरियस मून्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम में डिस्कवर किए गए हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स के उनके डिफरेंट कुछ नाम भी हैं। जो हमारा मून है वो अर्थ का केवल एक लौता नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, मून जो है वो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है। अर्थ को कितना टाइम लगता है रिवॉल्व करने में अराउंड द सन? 365 डेज। ठीक वैसे ही मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होने में कितना समय लगता है? अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज। इसीलिए हमें जो मून है उसका जो है हमें शेप हर दिन अलग अलग दिखता है। लाइक जब पहला दिन होता है तो उस दिन कुछ भी नहीं दिखता है, जिस फिर उसके बाद सेकेंड डे या जिसको कि पहला दिन, हाँ, जो न्यू मून डे होता है जिसको कि आप हिंदी में अमावस्या कहते हैं, उसे न्यू मून डे कहता है, वो मून का पहला डे होता है। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता है सेकेंड डे। फोर्थ नाइट जो मून होता है या फिर उसे हम फोर्थ नाइट मून डे बोलते हैं, तो उसे जो है पूर्णिमा जो होती है उसको जो 15 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज के आसपास जो डे होता है उस दिन पूर्णिमा होती है। और फिर अगेन जो पूर्णिमा के बाद वापस से मून की जो साइज है डिक्रीज होती है, वो केवल रिवॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है, जिसकी वजह से उसकी जो हमें जो सन की जो हमें मून का जो देखना होता है अर्थ से दूर चले जाने की वजह से हमें उसका शेप कम दिखता जाता है। ओके, मून के पास अर्थ के जैसा एटमोसफियर नहीं है ना। हमारा एटमॉस्फेयर की खासियत यह है कि जैसे लाइक हमने मेटेराइड्स वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने ये बोला था कि कभी अपने आसमान में कुछ चीज़ जाते हुए देखती है जिसको कि हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, उसको भी मेटेराइड्स कहते हैं। तो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, हमारी अर्थ की जो हवा है, एटमॉस्फेयर है, जो लेयर एटमॉस्फेयर है वो है ना, बाहर से मतलब स्पेस से कोई भी चीज़ आती है तो उसको रोक देता है, उसको जला देता है पूरी तरीके से। तो वैसा मून के पास ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं, इस वजह से वहाँ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। अब सिंस वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो ये एस्ट्रॉइड्स है या मेटेराइड्स है मून पे गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से जो मून पर जो है क्रेटर्स डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई एस्ट्रॉइड्स बहुत ज़्यादा जोर से गिरेगा, ओके, बुक में इमेज है पेज 144 पे आप देख सकते हो, है ना, तो ये कुछ यहाँ पे होल टाइप आपको दिख रहा है, ये मून की इमेज है। ओके, और तो जो मतलब से साइंटिस्ट जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे उन्होंने ये डेवलप देखा कि वहाँ पे क्रेटर्स हैं। लाइक क्रेटर्स ऐसा होता है कि जब कोई एस्टेरॉयड जो है एस्टेरॉयड्स या कोई बहुत बड़ा रॉक किसी सर्फिस पर जाके गिरेगा और जैसे ही गिरेगा तो वहाँ पर गड्ढा क्रिएट होगा उस एस्ट्रॉइड्स की वजह से। तो ऐसे गड्ढे जो कि एस्ट्रॉइड्स की वजह से बनते हैं उनको हम क्रेटर्स कहते हैं। वहाँ पे मून पे बहुत सारे डिफरेंट साइज ऑफ क्रेटर्स है, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर ना होने से एस्ट्रॉइड्स मून पे टकराते रहते हैं। ओके,
मून जो है एक स्पेशल सेलेशियल बॉडी है, अगर हम इंडिया जैसे कंट्री की बात करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्रत पूजन फेस्टिवल जो होते हैं वो मून के बेसिस पर ही सेलिब्रेट किए जाते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो रमज़ान हो, है ना। सो ये सारे जो चीज़ें हैं ये हम लोग न्यू मून के टाइम में सेलिब्रेट करते हैं। लाइक दिवाली जो होता है वो न्यू मून डे पे सेलिब्रेट किए थे अमावस्या के दिन पे, और रमज़ान और जो ईद होती है वो जो नेक्स्ट डे जो फर्स्ट या सेकंड डे जो होता है मून का उस पर सेलिब्रेट की जाती है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मून का, क्योंकि एक तरीके से यहाँ जितनी पूजा अर्चना देवी पूजन जो भी पूजन अर्चना होता है वो मून के बेसिस पे बहुत फेस्टिवल्स डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, इनके अलावा एक और सेलेशियल बॉडी जो हमारे आकाश में दिखती है वो दिखती है स्टार्स, ब्राइट ट्विंकलिंग स्टार्स, जो कि बेसिकली ये स्टार्स जो होते हैं ये आग के गोले होते हैं जो कि गैसेस से बने हुए हैं, जस्ट लाइक द सन। सिंस बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ओके, जिस वजह से वो वहाँ से लाइट प्रोड्यूस करते हैं और हमें ऐसे स्टार के फॉर्म में दिखते हैं, पर लेकिन ये जितने भी स्टार्स आपको विजिबल है बहुत बहुत ज़्यादा दूर है। ओके, अगर ये पास होते तो हमारे सन की तरह दिखते हैं, मतलब अगर ये हमारे अगर पास होते तो सन की तरह दिखते हैं, बट लेकिन ये जो सन है वो भी खुद एक स्टार है, बट लेकिन हमारे पास है तो हमारे पास सूर्य के रूप में है, अदरवाइज जो स्टार है वो सन की तरह एक ह्यूज बॉल ऑफ फायर, बट लेकिन हमसे इतने ज़्यादा दूर है जिस वजह से हमें केवल एक छोटे से आप यूँ बोल सकते हो ट्विंकलिंग स्टार के फॉर्म में हमें दिखते हैं, है ना। स्टार जो होते हैं वो हमेशा स्काई में प्रेजेंट रहते हैं जिससे कि मून रहता है, बट लेकिन सूरज की ज़्यादा रोशनी हो जाने की वजह से और इतनी दूर हो जाने की वजह से और सूरज की रोशनी जब आकाश पर भर जाती है तो वो विजिबल होना पॉसिबल नहीं है, हम केवल उन्हें रात को ही देख पाते हैं, वो भी जब शाइन करते हैं, ओके, बादल होते हैं तो उस समय में नहीं दिखते हैं। अब कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ स्टार जब कोई किसी पर्टिकुलर टाइप का शेप बना सके तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, उसमें कम से कम ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं 5, 6, 7, 8 जितने भी ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर कोई शेप बनाए तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। ओके, एक जो कॉन्स्टलेशन कुछ जो कॉन्स्टलेशन होते हैं वो किसी न किसी टाइप का शेप लेते हैं, जैसे लाइक ऊर्जा मेजर हो गया, ऊर्जा माइनर, ओरियन, जो कि हमने नाम दिए हैं इनको, जो कि वेरियस काइंड्स ऑफ शेप बनाते हैं। ओके, जैसे ही आप इसको देखेंगे इस इमेज पर, यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है स्टार दिख रहा है, ये जो है ये एग्जाम्पल है ऊर्जा माइनर का। ओके, ये वाला जो एग्जाम्पल है, ओके, ये है ऊर्जा मेजर का। ओके, इसके अलावा और भी अगर है लाइक ड्रैगन है, ये वाला जो स्टार है या इस कॉन्स्टेलेशन को ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। सो नाइट स्काई में ऐसे बहुत सारे आपको कॉन्स्टेलेशंस दिख जाते हैं जो किसी ना किसी टाइप का यू नो शेप बना। ओके, कॉन्स्टेलेशन स्टार है, ओके, जो कि हमें नाइट स्काई में विजिबल होता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार जो किसी टाइप का ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। तो ये हमारे यहाँ पर चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है जिसमें हमने स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन, मून, प्लैनेट्स, सन, इनके बारे में जाना और कैसे हमारा अर्थ जो है कवर है वाटर से, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं लाइक रोटेशन, रिवॉल्यूशन, सीजन चेंज होते हैं वो रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं, 365 दिन लगते हैं, ओके, और 365 दिन एज वेल एज 6 आवर्स, हर चौथा साल हम लीप ईयर बनाते हैं 6 आवर की वजह से, 6 आवर्स जो होते हैं वो चौथे साल में ऐड करके एक वन डे पूरा कंप्लीट करते हैं, जिसको हम 29 फरवरी जो फरवरी मंथ है उसमें ऐड किया जाता है। इनके अलावा हमने क्रिएटर्स के बारे में जाना जो मून पर हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।